हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव न्यूज़। 90s में शक्तिमान को टीवी पर लेकर आने वाले मुकेश खन्ना ने इसी साल अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने आइकॉनिक किरदार को लेकर भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म बनाने वाले हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि इस किरदार को निभाने के लिए रणवीर सिंह को ऑफर दिया गया है। दोस्तों, रणवीर सिंह को जनता गली बॉय के रैपर से लेकर 83 में कपिल देव तक के किरदार में देख चुकी है और अपने रोल में उनका कमिटमेंट हर बार लोगों को दंग कर देता है। और अब रणवीर सिंह के सभी फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रणवीर सिंह जल्द ही बड़े पर्दे पर भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के रोल में नजर आ सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने रणवीर सिंह को शक्तिमान बनने का ऑफर दिया है। रणवीर ने अभी ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मेकर्स को भी लगता है कि पहली बार 1997 में इंट्रोड्यूस हुए इस सुपर हीरो किरदार में रणवीर सिंह एक नेचुरल करिश्मा लेकर आ सकते हैं। फिलहाल एक्टर और उनकी टीम से इस मसले पर बातचीत जारी है। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में सोनी पिक्चर्स ने एक टीजर वीडियो के साथ शक्तिमान पर फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट की थी। टीवी शो में शक्तिमान का रोल प्ले करने वाले मुकेश खन्ना की कंपनी भीम इंटरनेशनल भी इस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रही है। अनाउंसमेंट में कहा गया था कि ये फिल्म एक ट्रायोलॉजी यानी तीन पार्ट्स में रिलीज की जाएगी और इसमें देश का कोई लीडिंग सुपरस्टार शक्तिमान का रोल प्ले करेगा। टीजर में शक्तिमान के नए कॉस्ट्यूम की एक झलक भी देखने को मिली थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था। सो फ्रेंड्स, क्या आप रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल में देखना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।